ईडी की रिपोर्ट में हो रहे लगातार खुलासों से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीजी की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल 2014 के बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली में एक भी शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित 40 करोड़ 31 लाख रुपए का कोष बेकार पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के तीनों नगर निगम, दिल्ली शहर आश्रय सुधार बोर्ड DUISB समेत एजेंसियों को राज्य का हिस्सा 10 करोड़ 8 लाख रुपए सहित 40 करोड़ 31 लाख रुपए प्राप्त हुए, लेकिन घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए उन्हें 16 करोड़ 92 लाख रुपए जारी किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक DUISB को जनवरी 2016 तक 6 करोड़ 86 लाख रुपए मिले, जिसमें राज्य का 1 करोड़ 71 लाख रुपए का हिस्सा भी शामिल था, जबकि उसे 41 करोड़ 49 लाख रुपए की जरूरत थी। बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैग रिपोर्ट में उजागर भ्रष्टाचार अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है और सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि आप सरकार ऐसे मामलों को CBI जांच के लिए भेजने पर विचार कर रही है। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।